आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाव फॉर हर बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली. वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेट. थैंक गॉडनेस इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी. आई कॉन्ट बियर टू सेट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours. अब वो जो ऑथर थे वो क्या सोचने लगे कि वो किस तरह उस गर्ल को हंसा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो रहने दें इस लाफ्टर के ख्याल को, क्योंकि ये जितना ज़्यादा वो उससे बात करेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रबल और लोनली फील करेंगे. वी विल बी सून एट योर स्टेशन आई सेड. और उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही स्टेशन पर आने वाले हैं. थैंक गॉडनेस इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी. अब उन्होंने बोला कि अच्छा है कि ये छोटी ही जर्नी है, क्योंकि मैं 2 or 3 hours से ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता. येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग. लेकिन वो तैयार बैठे थे कितना भी टाइम उस ट्रेन में निकालने के लिए, लेकिन उस गर्ल की बातें सुनने के लिए. हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम. उनको उसकी वॉइस बहुत पसंद थी और ऐसा लगता था जैसे कि कोई स्पार्कल है माउंटेन स्ट्रीम का. एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आर ब्रीफ एनकाउंटर बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर. जैसे उन्हें ऑथर को क्या था कि जैसे ही वो गर्ल ट्रेन से जाएंगी वो उनके बारे में भूल जाएंगी, लेकिन जो ऑथर है उसको उस गर्ल के बारे में हमेशा याद रहेगा. जब तक वो इस जर्नी में हैं तब तक तो याद ही रहेगा और उसके कुछ टाइम बाद तक भी याद रह सकता है. द इंजन्स विसल स्ट्राइक द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम. द गर्ल गॉट अप एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स. आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड. अब जो इंजन की विसल थी वो बजी और जो व्हील्स की साउंड और रिदम थी वो भी चेंज हो गई और जो गर्ल थी वो उठकर अपनी जो भी सामान था वो कलेक्ट करने लगी. और जो ऑथर थे वो ये सोचने लगे कि जो उनके हेयर्स हो उस गर्ल के हेयर होंगे वो किसी बन में बंधे में, मीन्स उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ है या इट वॉज प्लेटेड या उन्होंने अपने को प्लेटेड किया हुआ है बालों को. Perhaps it was shining loose over her shoulders or was it cut every short. It was cut very short. या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने हेयर्स को ओपन किया हुआ हो, मीन्स कुछ नहीं बांधा हुआ हो, या फिर उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे. द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन. और जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे स्टेशन पर आने लगी. आउटसाइड देयर वॉज अ शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर. द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट. जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो बहुत सारे पोर्टर्स और वेंडर्स, मीन्स जो स्टेशन पर जो लोग सामान वगैरह सेल करते हैं, उनकी आवाज़ें आने लगी. एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस. और किसी फीमेल की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई तो जो ऑथर थे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये उस गर्ल की आंट होंगी. गुड बाय द गर्ल सेड. और गर्ल ने ऑथर को गुड बाय बोला. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग. अब जो ऑथर थे उनको समझ में आया कि जो गर्ल है वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी है, क्योंकि जो उनके परफ्यूम की स्मेल थी वो उन तक आ रही थी. टेंटलाइजिंग मीन्स उनको जो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस थी वो अट्रैक्ट कर रही थी. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. और वो जो ऑथर थे वो उठकर उसके हेयर को टच करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ से तब तक चली गई. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. और उनके जो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस थी वो अभी भी उस जगह पर आ रही थी जहाँ पर वो खड़े थे. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartments stammered an apology. Stammered an apology, then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth, the guard blew his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. अब ऑथर ने क्या देखा कि जो ट्रेन का डोर था वहाँ पर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो गया था. एक मैन था जो कि उस कंपार्टमेंट में stammered means जो कि बोल रहा था हेजिटेशन के साथ कि मे बी वो गलती से उस अपार्टमेंट में आ गया था. अपॉलॉजी एक्ट ऑफ कंट्रीशन मीन्स उन्होंने
सॉरी बोला कि वो गलती से वहाँ आ गए थे. देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन. और उसके बाद वो डोर बंद हो गया और जो वर्ल्ड था पोएट के ऑथर के लिए सॉरी वो फिर से ख़त्म हो गया. आई रिटर्न टू माई बर्थ. और उसके बाद जो ऑथर थे वो अपनी बर्थ पे मतलब अपनी सीट पर वापस आ गए. द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ. और उसके बाद जब गार्ड ने विसल दी उसके बाद हम वहाँ से चलने लगे. वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर. और उसके बाद फिर से एक नया फेलो ट्रैवलर मीन्स उसके साथ कोई ट्रैवल करने के लिए फिर से आके बैठ गया. द ट्रेन गैदर्ड स्पीड द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग द कैरेज ग्रोन्ड एंड शूक फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी. अब क्या हुआ जो ट्रेन थी जैसे ही वो स्पीड में आई तो जो व्हील्स थे उसका जो सॉन्ग था मीन जो व्हील्स की साउंड थी वो फिर से चेंज हुई वो और वो एज अ सॉन्ग की तरह आने लगी. द कैरेज ग्रोन्ड एंड शूक. ग्रोन्ड मीन्स लाउड क्रीकिंग साउंड मीन्स जो साउंड लाउडली आती है ना उसको बोलते हैं ग्रोन्ड. आई फाउंड अ विंडो आई सैट इन फ्रंट ऑफ इट. और जो विंडो देखकर वो उसके सामने बैठ गए स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज अ डार्कनेस फॉर मी. और वो डे लाइट में मतलब दिन की रोशनी को देख रहे थे लेकिन उनके लिए तो वो अंधेरा था क्योंकि वो बाहर देख ही नहीं सकते. सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो. इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर. द मैन हु हैड एंटर द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रिवियरी. और उसके बाद जो ऑथर थे वहाँ विंडो के बाहर ऐसे ही अपने आप में सोचने लगे. फैसिनेटिंग मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मतलब उनको ये गेम बहुत अच्छा लगता था सोचने वाला. अपने ही अंदर वो अपनी वो इमेजिन कर लेते थे कि बाहर क्या हो रहा है. और जो उसके बाद जो मैन आया वो उन्होंने उनका रिवरी ब्रोक कर दिया मीन्स जो वो डे ड्रीम देख रहे थे मतलब दिन में जो सपना देख रहे थे वो तोड़ दिया. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड. आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट. अब उसने क्या जो ट्रैवलर आया दूसरा उसके साथ बैठने के लिए उसने बोला कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना एक जो अभी ट्रैवलिंग कंपेनियन आपके पास से गई है वो थी. शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड. कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर लॉन्ग हेयर लॉन्ग और शॉर्ट. अब ऑथर ने क्या बोला कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल थी. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके हेयर लॉन्ग थे या शॉर्ट थे. आई डोंट रिमेम्बर ही सेड साउंडिंग पजल्ड. अब जो ट्रैवलिंग ट्रैवलर आया उनके पास उसने बोला कि मुझे याद नहीं है. इट वॉज हर आइज़ आई नोटिस. मैंने उसकी आइज़ को नोटिस किया था नॉट हर हेयर उसके हेयर्स को नहीं. शी हैड ब्यूटिफुल आइज़ बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर. उसने क्या बोला कि उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी लेकिन वो उसके लिए किसी काम की नहीं थी. शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड डिडंट यू नोटिस. उसने क्या बोला कि वो भी कम्प्लीटली ब्लाइंड थी मतलब वो भी देख नहीं सकती थी. क्या तुमने ये बात नोटिस नहीं करी. मीन्स जो ऑथर थे और जो वो गर्ल थी वो दोनों ही नहीं बाहर देख सकते थे लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं चला कि वो दोनों देख नहीं सकते.